आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब CGPSC और व्यापम में भर्तियों की लाइन लग चुकी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ ITI संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकल चुकी है। क्या है पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ ITI संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी के बारे में। जो प्रशिक्षण अधिकारी की 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है, क्या है, कौन है, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कब है, इसकी अंतिम तिथि कब होगी, इसकी योग्यताएं क्या हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं फॉर्म चाहिए या 12वीं का कि ITI का, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेड विषय के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कुल कितने पदों पर, 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल के रही प्रशिक्षण अधिकारी के, पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम के लिए 1 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 51 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 86 पद और कारपेंटर के लिए 2 पद, टर्नर के लिए 6 पद। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पूरा मैं बता रहा हूँ है ना, ध्यान से समझिएगा कितने कितने पदों पर भर्ती निकल कर आई है। तो टर्नर के लिए 6 पद, ड्राइवर का मैकेनिक के लिए 6 पद, ड्राफ्ट मैकेनिक के लिए 1 पद, फिटर के लिए 48 पद, मशीनिस्ट के लिए 4 पद। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारी भर्ती निकल कर आई है कितने कितने विभागों में। तो मशीन ग्राइंडर के लिए 1 पद, मेसन बिल्डिंग के लिए 1 पद, ट्रैक्टर के लिए 1 पद, डीजल के लिए 1, 32 पद। उसी प्रकार मैकेनिकल व्हीकल के लिए 5 पद, मैकेनिकल कंडीशन के लिए 2 पद, इंजीनियर ड्राइंग के लिए 72, उसी प्रकार वायरमैन के लिए 2। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, लास्ट जरूर देखिए क्या क्या है। वेल्डर के लिए 30, सीट मेटल वर्कर के लिए 1, अंग्रेजी पद के लिए 2, टेक्नोलॉजी सेविंग के लिए 6, हाउसिंग कीपिंग के लिए 2, एजुकेशन स्किल के लिए 3। यानी कि टोटल यहाँ पर आपका है ना, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आयु सीमा क्या होगी, तो शैक्षणिक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 366 पद, कितने पद, 366 पदों पर प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। इसकी आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यताएँ क्या होगी, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यताएँ के बारे में, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संसद से बोर्ड से विश्व 10वीं बारी पास होना अनिवार्य, साथ ही ITI प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना है। योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आयु सीमा के बारे में बात करें। तो जो आपका आयु सीमा है, देखिए गणना 1/1/2023 की स्थिति में कर रहे हैं, तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, कितनी, 18 वर्ष, न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष, अधिकतम आपका 35। उसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, PH उम्मीदवार को छूट प्रदान किया जाएगा। छूट के लिए शासन के निर्देश विभागीय वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका तिथि, देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है, पोस्ट जारी होने की तिथि 5 मई है ना, 5 मई 2023। उसी प्रकार 8 मई 2023 से 10 बजे से आवेदन की प्रारंभिक तिथि प्रारंभ हो गई है। अंतिम तिथि आपका 31 तारीख को है। माध्यम ऑनलाइन करना है आपको, मेरिट से नोटिफाइड है, यहाँ पर इंटरव्यू वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपको क्या क्या ले जाना है, तो देखिए सबसे पहला जरूरी है आपका आधार कार्ड, रंगीन पासपोर्ट फोटो साइज का हाल ही में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10वीं अंक सूची, उच्च योग्यताएं, स्नातक, स्नातक या डिप्लोमा या डिग्री का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अंग विलान तो या अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो। ठीक है, ये आपका आवेदन शुल्क कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सैलरी कितनी होगी, क्या होगी देखना है। तो देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या है, तो आवेदन कैसे करना है, तो छत्तीसगढ़ में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023-24 के बारे में बात करें प्रशिक्षण अधिकारी का, तो आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से व्यापम की वेबसाइट आप देख सकते हैं, vyapamcgstategovernment.in पर के माध्यम से 8 मई 2023 से 10 बजे प्रातः स्टार्ट हो जाएगी 8 मई से। ठीक है, अब सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो सैलरी आपका रहेगा, सैलरी है इंडियन रुपीज़ के तौर पर बेसिक देखें मिनिमम 15,000 रुपये, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 28,000 रुपये। उसी प्रकार ग्रेड पे वेतन अवेलेबल है, यही जानकारी आपको देना था। कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल आ रही है। उसी प्रकार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आपके कितने, 12,489 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल आई है। ठीक है, 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती।
उसी प्रकार आपका प्रशिक्षण अधिकारी का 366 पर और बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा अभी हाल ही में। और जो रुकी हुई भर्ती है तो वो भी अब जारी हो चुका है, सभी का रिजल्ट आने वाला है, अब तैयारी करना शुरू कर दो। आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एडीओ की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर करें।